Namaskar, I'm Harpreet Kaur and I welcome you all to our live and interactive session. You are watching us on our eVidya channel number 10. और हम आपको बता दें कि ये हमारा लाइव सेशन है विच इज़ मेन फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10. दिस सेशन विल बी अपलोडेड वेरी सून ऑन यूट्यूब एज वेल विच इज़ ऑफ कोर्स ऑन आर चैनल NCERT ऑफिशियल. सिंस द सेशन इज़ लाइव एंड इंटरैक्टिव तो आप पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं और वो करने के लिए क्या मीडियम्स हैं आई विल लेट यू नो. बट उससे पहले जान लेते हैं आज के सेशन का टॉपिक. आज के सेशन का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है एंड दिस इज़ ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 1. ट्रिग्नोमेट्री एक बहुत ही वास्ट टॉपिक है और आज हम इसका कुछ हिस्सा समझने की कोशिश करेंगे. फर्स्ट सेशन है ये और इसलिए हमने पार्ट 1 लिया है ट्रिग्नोमेट्री का. एंड इन सबसीक्वेंट सेशंस हम ट्रिग्नोमेट्री के फर्दर पार्ट्स भी लर्न करेंगे. सो आज के सेशन में अगर आप कॉल करके अपने डाउट्स क्लियर करना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं ऑन 8800440559. इसके अलावा अगर आपके कोई क्वेश्चंस, सजेशंस या फीडबैक हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं. ईमेल आईडी है dth.class10@ciet.nic.in. सो जो ये सेशन है मैथमेटिक्स का हमारे क्लास 10 के स्टूडेंट्स के लिए ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 1, इस टॉपिक के सारे डाउट्स क्लियर करने के लिए, आपको ये टॉपिक समझाने के लिए वी आर जॉइंड बाय आवर एक्सपर्ट टुडे. And we have with us Ms. Savita Grak. Ma'am, namaskar and welcome to the session. Namaskar, Harpreet, aur hamare darshakon ko bhi namaskar. Ji. So ma'am is a coordinator from Geeta Niketan Avasi Vidyalay Kurukshetra. Ma'am, isse pehle ki aap practical questions par aaye, main aapse ek bahut hi basic question janna chahti hoon ki trigonometry ek bahut hi important concept hai mathematics ka, lekin trigonometry ki hamari kya life mein bhi koi aisi zarurat hoti hai ki ye seekhna hamare liye zaruri hai? Ji Harpreet, aapne bahut hi acha question pucha hai in the very beginning of the session. और ये जो आपने क्वेश्चन पूछा है कि क्या ट्रिग्नोमेट्री का रियल लाइफ में यूज होता है, तो आपका ये क्वेश्चन पूछते ही मुझे ध्यान में आ जाती हैं कुछ एक ऐसी रील्स, कुछ एक ऐसी मेम्स जिनमें लिखा होता है या हम बोलते हैं कुछ बच्चे कि समझ नहीं आ रहा कि अपने मैथ्स के टीचर से, क्लास 10 के वो टीचर जिन्होंने मुझे क्लास 10 में पढ़ाया था, मैं उनके पास जाकर पूछता हूँ कि आखिर ये ट्रिग्नोमेट्री रियल लाइफ में यूज कहाँ होती है. यानी कि जब कोई बच्चा बड़ा हो जाता है तो वो इस तरह के क्वेश्चंस पर बहुत से चुटकले, हम कह सकते हैं, मीम्स, रील्स बन रही हैं. तो आपने जो क्वेश्चन पूछा है, रियली इट इज वेरी गुड क्वेश्चन. तो सबसे पहले मैं ये यहाँ पर कंक्लूड करना चाहूंगी कि हमारे एजुकेशन सिस्टम की ये ब्यूटी है कि सबसे पहले क्लास 10th तक की जो स्टेज है, हमारे स्टूडेंट्स को ये पता होना चाहिए कि ये एक तरह से फाउंडेशनल स्टेज को धीरे धीरे बढ़ाते हुए ये समझने तक की स्टेज है कि हमारे किस बच्चे का इंटरेस्ट किस फील्ड में होने वाला है. जी, तो यहाँ तक हमारे बच्चे समझते हैं कि यस, मेरा जो इंटरेस्ट है वो पॉलिटिक्स में है, मेरा जो इंटरेस्ट है वो साइंटिस्ट बनने में है, मेरा जो इंटरेस्ट है वो फैशन डिजाइनिंग में जाना है. तो बच्चे को ड्राइंग, म्यूजिक, इस तरह की चीजें बच्चे पढ़ते हैं. तो यहाँ तक हमारे बच्चों का ओवरऑल डेवलपमेंट, चाहे वो कोकरिकुलर एक्टिविटीज है चाहे वो एकेडमिक पार्ट है, टोटली ऐसा रहता है. तो अगर हमारे बच्चों ने ट्रिग्नोमेट्री ही नहीं पढ़ी तो वो, और पता चले कि वो बच्चा आज सेना में जाकर सामने दुश्मन से लड़ रहा है, उसको अभी अपनी जो है बॉम्ब को वो गिराना है पर्टिकुलरली एक निशाने पर कि उस जगह पर दुश्मन है, अगर उसका जो एंगल है, आप इस चीज को समझिएगा, एंगल ऑफ दैट थोड़ा सा भी चेंज हो गया तो निशाना चूक जाएगा. राइट राइट राइट. ठीक इसी तरह से आपको पता है कि माउंट एवरेस्ट की हाइट कितनी है. किसका यूज किया आपने? ट्रिग्नोमेट्री का यूज हुआ. ठीक इसी तरह से आपके रियल लाइफ में भी बहुत से ऐसे ब्रिजेस बने हुए हैं, बहुत से आप देखते हैं कि टावर्स हैं आपके मोबाइल नेटवर्किंग के लिए, तो ट्रिग्नोमेट्री का यूज यहाँ तो है ही है. इसके साथ ही साथ स्पेस से रिलेटेड अगर हमारे बात करते हैं, बच्चे साइंटिस्ट बनने की कोशिश करते हैं तो वहां तो ट्रिग्नोमेट्री के बिना गुजारा ही नहीं. ऑलराइट, इस चीज को समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है. और ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th तक जब हम बेसिक, ये आपकी बात बिल्कुल सही है, आज बहुत फर्स्ट सेशन है हमारे क्लास 10th के बच्चों के लिए, जब वो ट्रिग्नोमेट्री के बारे में जानेंगे, समझेंगे कि आखिर होता क्या है.
राइट हाँ, राइट अगर उनका इंटरेस्ट डेवलप होता है तो वो क्लास 11th 12th और उसके बाद ग्रेजुएशन बीएससी और उसके बाद डेफिनेटली हमारे पास बहुत ही अच्छे अच्छे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने चंद्रयान तक मंगलयान तक की इन्वेस्टिगेशन की है। ठीक है राइट वेरी नाइसली एक्सप्लेन मैम। और इससे मुझे ये भी ख्याल आया कि जब पायलट्स प्लेन उड़ाते हैं तो वहाँ भी कहीं ना कहीं वो ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करते हैं, बिकॉज उन्हें एक सर्टन एंगल लेना पड़ता है। और जो हमारे इजिप्ट के पैरामिड्स हैं, आई एम श्योर उन्हें बनाने के लिए भी किसी ना किसी ने ट्रिग्नोमेट्री ज़रूर यूज़ की होगी। जी, जी बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। जी और अगर ये एंगल का फोकस नहीं रखेंगे पायलट्स प्लेन उड़ाते हुए तो वो राइट बेंगलोर की जगह गोवा पहुंच जाएंगे। यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट। जी तो आगे सर्टेनली बढ़ेंगे। बिल्कुल मैम, जी आगे बढ़ते हैं और अब हम क्वेश्चंस पर आते हैं। जी हाँ जी, तो सबसे पहले हमें जब हम समझ चुके हैं कि आखिर ट्रिग्नोमेट्री है कितनी इम्पॉर्टेंट, तो डेफिनेटली हमारे व्यूअर्स अपना इंटरेस्ट यहाँ पर जरूर क्रिएट करें और इस चीज को समझें कि हम पढ़ने क्या वाले हैं। सबसे पहले वी विल लर्न अबाउट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। जी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज समझने के बाद हम समझेंगे रिलेशनशिप बिटवीन द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। डियर व्यूअर्स, टोटल देयर आर 60 रेशियोज। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को आप टी रेशियोज ऐसा भी बोल सकते हैं इन शॉर्ट। और इन 6 टी रेशियोज के बीच में आपस में कोई ना कोई रिलेशनशिप होता है, वो रिलेशनशिप हम डिस्कस करेंगे। हम डिस्कस करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ द स्टैंडर्ड एंगल्स। स्टैंडर्ड एंगल्स मीन्स 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। इन 5 पर्टिकुलर एंगल्स के लिए वेरियस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू क्या क्या होती है, क्योंकि डेफिनेटली एंगल से रिलेटेड टॉपिक है, तो कोई भी टी रेशियो बिना एंगल के कोई भी वैल्यू नहीं रखता। जी फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको बोलती हूँ साइन, दिस इज वन ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, जिसको अगर हम एब्रीविएशन फॉर्म में लिखते हैं तो लिखा जाता है साइन। एंड डेफिनेटली साइन एट एंगल थीटा इज नॉन एज सिन थीटा और साइन थीटा। ओके, सो थीटा जी की जो वैल्यू है, अगर वो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री के बारे में आप डिस्कस करेंगे, तो वो आप डिस्कस करेंगे इन योर क्लास 10। और इसके बाद आप अपनी फर्दर क्लासेस में रिमेनिंग एंगल्स के लिए भी, यानी कि 180 डिग्री, 210 डिग्री, 36 डिग्री, इन सब एंगल्स के लिए भी डिस्कशन करेंगे। देन वी विल डिस्कस अबाउट द ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। देयर आर टोटल 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज जिनके बारे में हमारे व्यूअर्स जानेंगे, और डेफिनेटली क्वेश्चंस रिलेटेड टू द ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। नाउ लेट अस डिस्कस ट्रिग्नोमेट्री एंड इट्स रेशियोज। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, द जी साइड अपोजिट टू द राइट एंगल इन अ राइट एंगल ट्राइंगल इज नॉन एज हाइपोटेन्यूज। ये हमारे व्यूअर्स बहुत अच्छे से जानते हैं कि जैसे कि आप यहाँ भी देख सकते हैं, एक राइट एंगल ट्राइंगल आपके सामने है और इस ट्राइंगल में एंगल बी जो है ये है 90 डिग्री। एंगल बी के अपोजिट जो साइड फ्रेम हो रही है, दैट इज साइड ए सी, और इस साइड को हम बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। क्लियर? हमारे व्यूअर्स जानते हैं कि बाकी दोनों साइड्स, यानी कि साइड ए बी एंड साइड बी सी, इन दोनों में से किसी भी साइड को आप बेस और परपेंडिकुलर बोल सकते हैं। बट जब हम बात कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की, तो आपको डिफाइन करना होगा दैट विच वन ऑफ दीज इज योर बेस एंड विच वन ऑफ दीज इज योर परपेंडिकुलर। आप जिस मर्जी को बेस और परपेंडिकुलर ट्रिग्नोमेट्री के केस में नहीं बोल सकते। ओके, जैसे कि मैं बात करती हूं, एंगल सी इज एन एक्यूट एंगल। हम देख सकते हैं यहां पर फिगर में सी एक एक्यूट एंगल है, एंड साइड ए बी इज अपोजिट टू एंगल सी। इस एंगल सी के एकदम अपोजिट जो साइड है, दैट इज साइड ए बी, सो दिस विल बी नॉन एज दी परपेंडिकुलर। यानी आपको वो कुछ भी इस तरह से देगा कि जैसे मैंने आपको बोला कि साइन सी, मतलब मुझे टी रेशो साइन की वैल्यू एट एंगल सी कैलकुलेट करनी है। तो अगर बेस एंगल सी है, तो सी के सामने वाली जो साइड है, दैट विल बी कंसिडर्ड एज दी परपेंडिकुलर, एंड द एडजेसेंट साइड दैट विल बी कंसिडर्ड एज दी बेस। यानी अगर आप बात करेंगे साइन ए, तो उस केस में आपका बेस और परपेंडिकुलर चेंज हो जाएंगे। अगर आप बेस एंगल ए को ले रहे हैं, तो ए के सामने वाली साइड रिएक्ट करेगी एज परपेंडिकुलर। ये हमारे व्यूअर्स को बहुत ही ज्यादा अच्छे से ध्यान रखना है।
नाउ लेट अस डिस्कस कि ट्रिग्नोमेट्री वर्ड जो है वो कहाँ से आया है. इट कम्स फ्रॉम टू ग्रीक टर्म्स, जिनमें से पहली जो टर्म है दैट इज ट्रिगोन एंड द अदर इज मेट्रन. ट्रिगोन का मतलब है ट्राइंगल एंड मेट्रन मीन्स मेजर. सो बेसिकली जब आप ट्रिग्नोमेट्री की बात करेंगे, आप एक राइट एंगल ट्राइंगल में, एज यू कैन सी अ राइट एंगल ट्राइंगल हियर इन दिस फिगर ऑल्सो, आप एक राइट एंगल ट्राइंगल के बेस, परपेंडिकुलर और हाइपरट्यूज के रेशियोज लेंगे. लाइक दिस इज योर हाइपरट्यूज. अगर हम एक्यूट एंगल सी को बेस एंगल एज्यूम करते हैं, तो आपके पास सी के सामने जो साइड है ए बी, दैट इज एज द परपेंडिकुलर एंड दिस साइड इज द बेस. ओके, नाउ इफ आई टॉक अबाउट द रेशियोज ऑफ दीज साइड्स ऑफ दिस ट्राइंगल, यानी कि हाइपरट्यूज और बेस, इनका रेशियो क्या है, बेस और परपेंडिकुलर अपॉन बेस रेशियो क्या है, इसी तरह से क्या क्या रेशियोज आपके बन सकते हैं, बेस अपॉन हाइपरटेन्यूस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपरटेन्यूस एंड द लास्ट इज हाइपरटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर. तो जब आप बात करेंगे इन सभी रेशियोज की, तो सबसे पहले आपको समझना है कि टोटल 6 ही रेशियोज बन सकते हैं इन तीनों साइड्स को लेते हुए. ना 6 से ज्यादा बन पाएंगे, ना ही 6 से कम. तो ट्रिग्नोमेट्री इज वेरी सिंपल. आपको कहीं पर भी लिखना है हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, तो उसको एक नेम दे दिया गया है, राइट? जैसे मैं बात करूं यहां पर साइन सी, सो साइन सी दिस इज रिप्रेजेंटिंग द रेशियो ऑफ द परपेंडिकुलर एंड द हाइपोटेन्यूज, जिसे आप अपनी गिवन ट्राइंगल की हेल्प से ये भी लिख सकते हैं, परपेंडिकुलर इज रिप्रेजेंटेड बाय द साइड ए बी एंड हाइपोटेन्यूज इज योर साइड ए सी. तो साइन सी इक्वल्स ए बी अपॉन ए सी. ठीक इसी तरह से अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हैं कोसेक सी, लेट मी टेल यू ऑल दैट साइन एंड कोसिकेंट, कोसिकेंट बोथ ऑफ दीज आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर. तो अगर आपको बता दिया गया है कि साइन सी इक्वल्स परपेंडिकुलर अपॉन हाइपरट्यूस, दैट मीन्स कोसेक सी इक्वल्स हाइपरट्यूस अपॉन परपेंडिकुलर, जहां पर कोसेक इज द एब्रीविएशन फॉर्म ऑफ कोसेकेंट. ठीक इसी तरह से बाकी के चार टी रेशियोज की हम बात करेंगे, जिनमें से सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कोसाइन. इट इज कोसाइन एंड द रेसिप्रोकल ऑफ कोसाइन इज सिकेंट. सो द वैल्यू ऑफ कोसाइन और कोस सी दैट इज बेस अपॉन हाइपरट्यूस. तो अगर कोस सी बेस अपॉन हाइपरट्यूस है और आपको बताया जा रहा है कि सिकेंट कोस का रेसिप्रोकल होता है, तो आपके पास सिकेंट की वैल्यू जो है वो क्या होगी, दैट इज डेफिनेटली हाइपरट्यूस अपॉन बेस. तो आपने जो जो टी रेशियोज अभी तक डिस्कस कर लिए, ये कौन कौन से टी रेशियोज हैं, लेट अस सी दीज केयरफुली. दीज आर हाइपरट्यूस अपॉन बेस आप डिस्कस कर चुके हैं, आप बेस अपॉन हाइपरट्यूस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपरट्यूस, हाइपरट्यूस अपॉन परपेंडिकुलर, इन चारों रेशियोज का डिस्कशन कर चुके हैं. तो बचते हैं दो और टी रेशियोज, दीज आर परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी अगर आप परपेंडिकुलर को बेस से डिवाइड करते हैं तो दैट इज इक्वल्स टू टेंजेंट ऑफ सी. टेंजेंट सी इक्वल्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस. टेंजेंट की एब्रीविएशन फॉर्म है टेन, TAN. एंड को टेंजेंट इज द रेसिप्रोकल ऑफ टेंजेंट विच इज बी अपॉन पी, दैट मीन्स बेस अपॉन परपेंडिकुलर. हम भी जब बच्चे थे और आप भी अभी हैं, तो एक इसके लिए आप सोचेंगे कि मुझे कैसे याद रहेगा कि बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज कहाँ पर है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर कहाँ पर है. तो इसको लर्न करने के लिए एक बहुत ही छोटी सी ट्रिक है, और वो ट्रिक क्या है, इवन वो मैं किसी भी पंडित जी को ऐसा इंडिकेट नहीं कर रही, बट वो ट्रिक आप याद करने के लिए यूज कर सकते हैं. दिस इज पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले. ऑल राइट, सो पी अपॉन एच इट बिकम्स, ऐसा भी बोला जाता है इसके आगे, सोना चांदी तोले. तो अब बच्चों को सिर्फ याद रखने के लिए एक ट्रिक बनाई गई है. तो साइन थीटा इक्वल्स परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, cos theta equals base upon hypotenuse and tan theta equals perpendicular upon base. अगर आपने ये तीन याद कर लिए तो बाकी तीनों इनके रेसिप्रोकल्स ही हैं. सो आगे बढ़ते हैं, जो हमने अभी डिस्कस किया वापस से इसको लिखते हैं.
वी कम टू नो कि अगर आपने बेस एंगल सी को बाय द एंगल थीटा, थीटा जो वर्ड है इससे डरने की जरूरत नहीं है, दिस इज जस्ट टू इंडिकेट द एंगल, वो एंगल 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री जो भी है उसे इंडिकेट हम कर रहे हैं थीटा से। सो साइन थीटा इक्वल्स परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये आपको पता चला है। आपको पता चला है दैट कोसिकेन थीटा इक्वल्स हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, कोस थीटा इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, सेकेंड थीटा इट इज हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, एंड देन टेन थीटा इट इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, एंड द लास्ट इज कोट थीटा विच इज बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ऑल राइट, ये सभी के सभी 6 डे रेशियोज हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। इसके साथ ही साथ आपके ध्यान में ये 6 फॉर्मूलाज भी आ जाने चाहिए, क्या? दैट साइन इज रेसिप्रोकल ऑफ कोसेक एंड कोसेक इज रेसिप्रोकल ऑफ साइन। यानी कि अगर आप लिखते हैं दैट साइन थीटा इक्वल्स 1 अपॉन कोसेक थीटा, देन दैट इज ओके। सिमिलरली कोस थीटा इज 1 अपॉन सेक थीटा, टेन थीटा इज 1 अपॉन कोट थीटा। That's it. Now let us proceed together towards application part of the trigonometry, जो हम पहले ही discuss कर चुके हैं कि अगर आपको पता है कि base angles कितने हैं, base angles भी हमारे viewers निकाल सकते हैं by using the concept of similar triangles. एक छोटा सा example यहाँ मैं दे सकती हूँ, जिससे कि अगर दोपहर के 12 बजे हैं, उस समय एक कोई छोटा सा हमने 2 मीटर का ऐसा पोल लगा दिया और सेम उसी टाइम पर ये टावर है, ओके? तो इसकी शेडो अगर उस समय बन रही है 1.5 मीटर की, तो ये बेस एंगल और ये टावर के लिए जो बेस एंगल हम लेते हैं, अगर मैं बेस एंगल की बात कर रही हूं और यहां से ही बेस एंगल ट्रीट करती हूं, तो ये दोनों बेस एंगल्स एट द सेम टाइम बिल्कुल इक्वल होंगे। डेफिनेटली जो इंसान की आई लेवल पर बेस एंगल बन रहा है वो एंगल भी बिल्कुल इसके इक्वल होगा, क्योंकि ये जो हॉरिजॉन्टल लेवल है ये आपके ग्राउंड लेवल के बिल्कुल पैरेलल है। पैरेलल होने की वजह से कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं, तो ये एंगल्स इक्वल होंगे, ओके? सो अगर मुझे पता है कि 2 मीटर के लिए शेडो की लेंथ ये है, तो डेफिनेटली इस हाइट के लिए जो शेडो की लेंथ है वो उसी के कॉरेस्पॉन्डिंग बन रही होगी। तो धीरे धीरे जैसे जैसे एप्लीकेशन पार्ट्स करेंगे हम इस चीज को और डेप्थ में समझते जाएंगे। राइट नाउ लेट अस प्रोसीड टुवर्ड्स द क्वेश्चन जो हमने अभी टॉपिक डिस्कस किया। हमारे पास क्वेश्चन है, गिवन दैट टेंजेंट ए इक्वल्स 4/3। अब हमारे व्यूअर्स सोच लेंगे कि टेंजेंट ए, यहां पर बेस एंगल ए गिवन है, सो फिगर के अकॉर्डिंग दिस विल बिकम द बेस और ए के सामने वाली जो साइड है दैट विल बिकम द परपेंडिकुलर, एंड डेफिनेटली 90 डिग्री के सामने आपका हाइपोटेन्यूज क्रिएट हो रहा है। सो टेंजेंट ए इज गिवन टू बी 4/3, बिकॉज ऑफ विच वी कम टू नो कि टेंजेंट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो हमारे व्यूअर्स को समझ आ जाता है कि परपेंडिकुलर इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाइड बाय सम कॉन्स्टेंट एंड बेस इक्वल्स 3 मल्टीप्लाइड बाय सम कॉन्स्टेंट, वेयर के इज डेफिनेटली सम कॉन्स्टेंट। तो हमारे व्यूअर्स ये नहीं सोचेंगे कि के कहाँ से आ गया, एक्चुअली बेस और परपेंडिकुलर एग्जैक्टली 3 यूनिट्स एंड 4 यूनिट्स ना होकर 3 का कोई मल्टीपल हो सकता है, 4 का कोई मल्टीपल हो सकता है। That's why you have taken these as 3K and 4K. तो आपके पास बेस है, आपके पास परपेंडिकुलर है और आपका क्वेश्चन आपसे डिमांड कर रहा है क्या? ऑल दी अदर टी रेशियोज, बाकी सभी टी रेशियोज निकालिए। तो टोटल होते हैं 6 टी रेशियोज, 6 में से 1 टी रेशियो आपको दिया गया है, बाकी 5ों निकालने के लिए हाइपोटेन्यूज की भी जरूरत किसी ना किसी में पड़ेगी। तो सबसे पहले आप कैलकुलेट कर लीजिए पाइथागोरस थ्योरम, और पाइथागोरस थ्योरम को हम अच्छे से जानते हैं बुधायन थ्योरम के नाम से। पाइथागोरस इज द नेम ऑफ अ मैथमेटिशियन, सिमिलरली बुधायन ही वॉज एन इंडियन मैथमेटिशियन जिन्होंने ये थ्योरम हमें दी थी। सो 4K होल स्क्वायर बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इट्स स्क्वायर रूट इज द हाइपोटेन्यूज। सो आपके पास कैलकुलेट करने पर आपका हाइपोटेन्यूज बन रहा है 5 × K, ओके? जैसे आपने ये वैल्यू निकाल ली, आपके पास बेस है, परपेंडिकुलर है, हाइपोटेन्यूज है, हम लिख लेते हैं इन सभी वैल्यूज को यहाँ पर। आपका बेस, यस, बेस वाज दिस 3
इंटू के, क्योंकि एंगल ए पर डिफाइन हुआ है. योर परपेंडिकुलर इज 4 के, योर हाइपोटेन्यूस इज 5 के. आपको निकालने हैं बाकी सभी टी रेशियोज, तो आप निकाल सकते हैं साइन ए इक्वल्स परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, विच इज डेफिनेटली, क्योंकि आपका बेस एंगल ए है, तो परपेंडिकुलर इज 4 के डिवाइडेड बाय 5 के, विच इज गिविंग यू 4/5. सिमिलरली, अगर आप कैलकुलेट करेंगे कोसेक ए को, दैट इज हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, और आप डायरेक्टली भी लिख सकते थे 1/sin A, विच इज गिविंग यू 5 k/4 k, और यू कैन से 5/4. सिमिलरली, कोस ए दैट इज इक्वल्स टू बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, ड्यू टू विच 3 k/4 k, विच इज 3/4. कोस का रेसिप्रोकल होता है सिकेंट, दैट इज द रेसिप्रोकल ऑफ कोस. हियर वी डिड अ मिस्टेक, बट दैट इज हाइपोटेन्यूज इज 5 k, सो इट विल बी 3/5, एंड द रेसिप्रोकल ऑफ कोस विच इज सिकेंट ए, विच इज 5/3. ठीक इसी तरह से टेंजेंट का रेसिप्रोकल होता है कोट, और आप ऐसा भी बोल सकते हैं दैट कोट ए इक्वल्स बेस अपॉन परपेंडिकुलर, विच इज प्रोवाइडिंग यू द बेस इज 3 k डिवाइडेड बाय 4 k. यू कैन चेक दैट दिस इज द रेसिप्रोकल ऑफ टेंजेंट ए, विच वॉज 4/3. सो लेट अस प्रोसीड टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन. अगेन अ क्वेश्चन ऑफ द सेम टाइप. इट इज किसी राइट एंगल ट्राइंगल में राइट एंगल इज गिवन एट पॉइंट बी, दैट मीन दिस एंगल इज गिवन टू बी 90 डिग्री, टेंजेंट ए इक्वल्स 1, और आपको वेरीफाई करना है दैट डबल ऑफ साइन ए इंटू कॉस ए इक्वल्स 1 आ रहा है. तो आपके पास टेंजेंट ए की वैल्यू है, आपको पता है टेंजेंट इक्वल्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ड्यू टू विच आप परपेंडिकुलर को एज्यूम कर सकते हैं. ये बहुत ध्यान से फोकस करना, इफ द बेस एंगल इज ए तो उसके सामने वाली साइड ही परपेंडिकुलर है, एंड दिस इज द बेस. ओके, सिंस इन दिस क्वेश्चन परपेंडिकुलर इज 1 k एंड बेस इज 1 k, मीन्स बोथ ऑफ द साइड शुड बी इक्वल, तो आपके पास हाइपोटेन्यूस निकालने पर आ रहा है अंडर रूट ऑफ बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, विच इज डेफिनेटली गिविंग अस √2 × k. और यहाँ से हम निकाल पाएंगे द वैल्यू ऑफ साइन ए, विच इज परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस. यू कैन से दैट इट इज सिंपली 1/√2. ठीक इसी तरह से कोस ए इक्वल्स बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, वैल्यूज पुट करने पर यहाँ भी आपको मिल रहा है 1/√2. लेकिन यहाँ आपका क्वेश्चन कंप्लीट नहीं होता, आपके पास साइन ए की वैल्यू है, कोस ए की वैल्यू है, आपको कुछ वेरीफाई करना है. तो उसके लिए आप लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पर वैल्यूज पुट करके देखेंगे, 2 × d वैल्यू ऑफ साइन ए. आप देख सकते हैं साइन ए की वैल्यू है 1/√2, एंड कोस ए इज ऑल्सो 1/√2. सो यू विल पुट बोथ ऑफ दीज वैल्यूज हियर. बहुत ही इजीली आप चेक कर पा रहे हैं दैट √2 × d बिकम्स 2, सो योर आंसर इज 1, विच इज सेम एज योर राइट हैंड साइड. सो दैट्स ऑल फॉर दिस क्वेश्चन. नाउ लेट अस मूव मैम टुवर्ड्स द ट्रू मैम एंड फॉल्स. आई हैव टू इंटरप्ट यू हियर बिकॉज मैम वी हैव टू वाइंड अप द सेशन हियर सिंस वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम. आई होप कि जो क्वेश्चन आप समझा रहे थे उसके सारे पार्ट्स आपने कवर कर लिए मैम, जो भी लास्ट क्वेश्चन था. मैम कैन यू हियर मी? जी जी, जी आई कैन हियर यू. ऑल राइट तो मैम, फिर हाँ आई रिक्वेस्ट कि इसका हम सबसीक्वेंट पार्ट अगर नेक्स्ट सेशन में कर सकें, बिकॉज वी हैव टू वाइंड अप द सेशन ओवर हियर. ऑल राइट हरप्रीत जी, हम बिल्कुल ऐसा ही करेंगे. जस्ट वी आर डिस्कसिंग दिस वेरी लास्ट क्वेश्चन ट्रू एंड फॉल्स, एंड देन वी पोज इट हियर. एंड आई विश कि हमारे व्यूअर्स हमसे बहुत सी प्रॉब्लम्स डिस्कस करें, शेयर करें, हमारे पास भेजें ऐसी प्रॉब्लम्स सॉल्व करने के बाद, सो दैट उनके किसी भी तरह के जो डाउट्स हैं हम वो क्लियर कर सकें. सो दिस एब्सोल्युटली इज मैम, द एब्सोल्युटली. एंड जी इनफैक्ट मैं ये भी बताना चाहूंगी कि मैंने कभी भी ये फॉर्मूलाज याद नहीं करे, बल्कि मैंने वो ट्रिक ही याद करी थी. और हमेशा क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने से पहले एग्जाम टाइम में भी आई यूज टू राइट इट इन द कॉर्नर, और उसको देख देख के आई यूज टू सॉल्व माई क्वेश्चंस. बट इट वॉज अ वेरी फ्रूटफुल एंड बेनिफिशियल सेशन. सो थैंक यू सो मच सविता मैम फॉर योर कॉन्ट्रीब्यूशन टू दिस सेशन. थैंक यू सो मच.
थैंक यू हरप्रीत, थैंक्स अ लॉट, विल मीट इन आवर नेक्स्ट सेशन नाउ। श्योर। सो व्यूअर्स, अभी सेशन हमें यहीं पर रैप अप करना है और जाने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि इन अ वाइल आप देखेंगे हमारा अगला सेशन विच इज फॉर द सब्जेक्ट सोशल साइंस एंड टॉपिक विल बी आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। प्लीज स्टे ट्यून्ड एंड आई विल जॉइन यू वेरी सून। नमस्कार।